मुस्कान, अस्सलाम वालेकुम। मुस्कान, आपकी तारीफ जो है सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है वो विजुअल आपके चल रहे हैं, शायद 1 लाख का मजमा होता और वो प्रोटेस्ट करता तो भी वो असर नहीं करता, जो आपका ये जो विजुअल है इसने जो है वो कर दिखाया है। बहरहाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कौन लोग थे, आप जैसे ही जो है कॉलेज में जा रही हैं, ये आपका कॉलेज का अहाता है, बाउंड्रीज है मेरे ख्याल से, तो ये क्या हुआ थोड़ा सा बताएं। मैं असाइनमेंट देने के लिए अंदर गई, वो लोग मुझे अंदर भी नहीं छोड़ रहे थे, बोल रहे थे कि बुर्खा काट के तुझे कॉलेज में एंट्री मिलेगा या तो फिर तू घर चले जा वापस। अच्छा, कॉलेज में तुझे राइट नहीं है बुर्खा पहन के करके। फिर मैं ऐसे ही 10 के अंदर चले भी गई, फिर गाड़ी पार किए, फिर जब मैं आ रही थी सब ने एकदम मुझे देखकर चिल्लाने लग गए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और मेरे मुंह पे कुछ वो शॉल लेके ऐसे उड़ा रहे थे, फिर मुझे अटैक करने का मतलब क्राउड बहुत क्राउड थी। फिर मैंने भी नहीं डरे, उनके भी आंखों में आंखें मिला के मैंने भी कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छा अच्छा, ये बताइए, जो जो वहाँ पर जो मजमा नजर आ रहा है, जो भगवा रंग के जो यानी शाल या फिर जो कुछ कहें उसको वो डाले हुए अपने गलों में, तो इनमें क्या वो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे या फिर आउटसाइडर्स थे? थोड़े बहुत कॉलेज के थे, बाकी सब आउटसाइडर्स थे। अच्छा। मैं बोलूंगी वही कि डरना नहीं, आगे बढ़ो, जो होता है अल्लाह के ऊपर छोड़ो, अल्लाह देख लेगा। यकीन यकीन, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान। बिल्कुल जो है, जो आपने काम किया है, जो आपने बहादुरी का मुजाहरा किया है, ये एक मिसाल बन गया है और शायद कई एहतजाजों पर ये भारी बन पड़ गया है, मैं ये यही कहूंगा। यकीनन एक शेरनी की तरह जो है आपने इनका मुकाबला किया, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।